सोया हुआ है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। पांक। तो फिर लग जा काम पे ठीक है। अबे ये मैं दो वो वाला चल 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 अंदर का दरवाजा किसने खोला? क्या कर रहा है? बस बच्चे मेरे मर गया क्या? छोड़ मैं नहीं तुम्हें कमीनो। अब जब धमाकेदार इंट्रो हो ही गया है तो क्यों ना कहानी की शुरुआत घर से ही की जाए। मिलिए इनसे, सन्नी शर्मा यानी मैं चोर नंबर 1 और ये है चोर नंबर 2 और मेरा सौतेला भाई अब्दुल अंसारी। हाँ हाँ सौतेला, इसके लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी और हमारे पड़ोसी अब्दुल के अब्बू दोनों ने मिलकर लव मैरिज करी थी और उसमें उनका लव इतना जोशीला था कि अगली पल दोनों ऊपर वाले को प्यारे हो गए और खेल खेल में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम पड़ोसी से भाई हो गए और भाई से अनाथ हो गए। अब बचपन से सर पे किसी का हाथ था नहीं तो हमने टेढ़ा रास्ता अपनाया। हम लोगों के घर से सामान चुरा कर उसको मॉडिफाई करके उन्हें डबल प्राइस में बेचने लगे और अपने घर का किराया भाड़ा राशन पानी चलाने लगे। वैसे कहने को तो हम दोनों सौतेले भाई हैं पर प्यार हमारे बीच बिल्कुल करण अर्जुन वाला है, लाइक जय और वीरू की जोड़ी बेसुमार मोहब्बत। यही छोटे छोटे पल ही तो खुशियाँ देते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस ही नहीं हो पाती थी। पर जब वाकई इस बारे में सोचता हूँ तो तब पता चलता है हमारी लाइफ उतनी ही अंधेरे में है जितनी हमने सोची थी। इसलिए हमेशा यही दुआ करता हूँ कि कोई चमत्कार हो और हम इस अंधेरे से बाहर निकले। देख मुझे सही नहीं लग रहा, ये चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा। देख भाई
मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। ये काम छोड़ देते, इनमें कोई इज्जत नहीं है। अरे ओ ज्यादा हवा में ना उड़े, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, अब तुझे क्या हो गया यार? प्लीज अच्छा सुन, ये लास्ट और आखिरी चोरी। ओह नो, इतनी बड़ी चोरी करेंगे कि हमारी सातों कुश्ती बैठ के खाएंगे। डन, खा बुगी का साथ, तेरी अम्मी का साथ, तेरे बुगी का साथ, ये लास्ट है पक्का। लेकिन करेंगे किसके? सूर्यवंशी। मिलियन से ये है मिस्टर सूर्यवंशी मनोहर कांतिलाल श्रीवास्तव उर्फ पंडित जी। इसकी शक्ल पर मत जाना, ये दिखता बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन ये मेरा असली बाप बिल्कुल नहीं। ये एक सीबीआई स्पेशलिस्ट रह चुका है, पर अभी ये पंडित बनने का ढोंग करता है। मगर हमें डाउट है इसके पास कुछ ऐसा ज़रूर है जो इसके पूरे परिवार को खास बनाता है। कहने को तो ये मोहल्ले का शेर है, मगर ये शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। अब सीबीआई ऑफिसर के घर से चोरी करना कोई हलवा थोड़ी ना है। एक तो इतनी मेहनत करने पे कुछ मिला नहीं हमें, और ऊपर से एक मुसीबत और पा लिया है हम। मेरी बात सुन, इस किताब को ले जा कबाड़ी वाले के पास। अच्छा, वो तुझे इसके 10 रुपए देगा। अच्छा, उन 10 की बत्ती बना और अपने छतोड़ों में डाल ले। भाई तू बात को समझ, ये किताब हमारी बंद तकदीर का ताला खोल सकती है। आ जाए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, मुझे पता था। लेट मी एक्सप्लेन। ये बुक पंडित जी को उनके पूर्वजों द्वारा दी गई थी। इस बुक से आप भविष्य देख सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं, पास्ट को भी बदल सकते हैं, लेकिन इस बुक की कुछ अपनी शर्तें हैं। पहली शर्त, इस बुक को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति एकदम शुद्ध होना चाहिए। दूसरी शर्त, उस व्यक्ति के एक बूंद रक्त इस बुक के बाहरी गत्ते पर गिरानी होगी। और तीसरी शर्त, उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी संभोग न किया हो। तू कौन सा संजय दत्त है? नाम गिनवाऊं क्या? सीना रुबीना कुबीना। पहले इसे यूज कर लेते हैं, बाद में गिनवा। बस ठीक है। मेरे को लगता है ये बुक थोड़ी जादुई है, मुझे भी जैसे हैरी पॉटर की है। हाँ, इसमें शायद बोल के इस्तेमाल होगा। आज 16 तारीख है। 16 तारीख है ना? हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच। ओके प्रिय पुस्तक, ये बता आज रोहित शर्मा कितनों की मारेगा? कितने रन मारेगा? कागज से लेके जाओ, इसमें लिखाओ 140 रन, 116 गेंदे, 11 चौके, 3 छक्के। लाइव स्कोर चेक करते, फोन का है, फोन। इसका मतलब ये किताब तो बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन इस बुक का सिस्टम बड़ा बेकार है यार। चिट्ठी भेज रही है, अगर लिख के भेजती तो वीडियो में और ज्यादा मजा नहीं आता। इतना बजट नहीं है VFX पे इतना। ये बताइए यार, ये तो सच बोल रही है, तो उसको यूज करें कैसे? कहते हैं
खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, लेकिन हम वो शैतान हैं जो उस खाली दिमाग का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक एजेंसी खोली जिसमें हम लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। उन्हें सिर्फ इतना करना था, उन्हें आके पर्ची पे अपना क्वेश्चन लिखकर इस क्वेश्चन बॉक्स में डालना था और फिर अपना नाम, अपना अमाउंट और अपना सिग्नेचर, और फिर वेटिंग लिस्ट में जाके वेट करना था। फिर क्या, सवालों की तो मानो जैसे झड़ी लग गई हो। ये वही लोग हैं जो अपने प्रेजेंट को छोड़कर अपनी फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं। ये इनकी आदत है और इनकी आदत को हमने अपनी ताकत बना लिया था। अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। मुझे इन सवालों को एक एक करके निकालना था और इनके आंसर को इस बुक की मदद से फाइंड करना था। और फिर इनके आंसर्स को दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करना था और फिर वो दूसरा बॉक्स ले जाकर और ये खाली बॉक्स ले जाकर वापस रख देना था ताकि और क्वेश्चंस आ सके। ये ढोंगी बाबा वाला पैसे छापने का अपग्रेडेड वर्जन था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम लोग सच्चाई बता के पैसे कमा रहे थे। सन्नी और अब्दुल कहाँ मिले? सन्नी और अब्दुल, वैसे आप मैं ताजा खबर से अर्जुन तिब्बतिया, इन दोनों के बारे में जानकारी लेना। बैंक के किसी काम से गए हैं सूटकेस लेकर। कहते हैं ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं और हमारे पैर इस वक्त पालने में तो बिल्कुल नहीं, मगर सातवें आसमान पे जरूर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले एक महीने में हमने जितना पैसा कमाया उतना पैसा मिलके अगर पूरा मोहल्ला सरकारी नौकरी भी कर लेना तो भी नहीं कमा पाया। और जहाँ तक रही किस्मत की बात, किस्मत ने अभी तक तो खूब साथ दिया है, पर क्या आगे भी देगी ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। यार मैंने टूटने पहले ही कहा था मोहल्ले के सबसे अमीर बन के दिखाएंगे। मन तो गया अब एक महीने के अंदर। महेश तल्ले बस चोर का फोन आ गया। हेलो भिखारी। हेलो अज्जू भाई। आपका फोन दे रहा तेरे पुप्पा आपका नाम पे हम तो ना दे रहे जा पांडे का पूछ कुछ तक। सन्नी हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो बुक है ये सबका भविष्य दिखाती है। हाँ लेकिन किसी की मौत भी तो दिखा सकती है। बात तो तू सही कह रहा है, पॉइंट है, चढ़ी हुई उतार दी तू बिल्कुल। ट्राई करके देखी तेरा इसे खत्म कर ले। चल करें शुरू। बिल्कुल ओके। हे प्रिय पुस्तक, हमें ये बताए सन्नी शर्मा और अब्दुल अंसारी हम दोनों की मृत्यु कब होगी? इसमें लिखा है कि अब्दुल अंसारी की मृत्यु 12 जुलाई बुधवार दोपहर 12:01, सन्नी शर्मा की मृत्यु उसी दिन दोपहर 12:05 में। इसे कहते हैं पड़ी हुई लकड़ी अंदर ले लेना। ऐसे हालातों में इंसान कर ही क्या सकता है, दोस्तों को कॉल मिलाकर माफीनामा मांगना, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, पर अब इन सब का फायदा क्या है जब मौत सिर पे खड़ी है? अब होने को कौन टाल सकता है? हाजू भाई क्या सन्नी और अब्दुल उनसे तो मुझे पुराना हिसाब चुट्टा करना है। हाँ भाई अभी 2 मिनट में आता हूँ, कपड़े वपड़े बदल के वहीं पे रुको तो मैं आ गया। कहते हैं मौत हमेशा प्री प्लान और फुल बैकअप के साथ आती है। हम यही सोच में लगे हैं कि हम किस किस तरह मरने वाले हैं। बाहर निकलोगे मीनू? कहाँ मर गए सालों, बाहर निकलो। हाँ भाई
अभी ये तो आ गया यार। देख, ये आखिरी मौका है मुझसे बचने का। ऊपर वाले का नाम, निकल निकल। अभी तक आए कैसे? नहीं मुझे क्या पता, मैं अभी तुम्हारे साथ ही हूँ। ओह नो, साले अज्जू भाई का अब तक आता है। बारह पांच मैंने पहले ही कहा था, मौत हमेशा प्री प्लान और फुल बैकअप के साथ आती है। अब ना तो हमें ये पैसे बचा पाए और ना ही हमें ये भूख बचा पाए, दोनों ही अपने अपने टाइम पे निकल लिए। एक सेकंड, वो बुक कहाँ है? लेकिन अगर ये बुक किसी गलत हाथों पड़ गई तो ना जाने इस बुक का किस गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। वो किसी का भी भविष्य बदल सकता है, किसी का भी वर्तमान बदल सकता है, किसी का भी भूतकाल बदल सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मन को काट सकता है।